आज 7 अक्टूबर है और शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 5वें दिन किस माता की आराधना की जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताते हैं। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि में आप स्कंद माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं और किन मित्रों का जाप कर सकते हैं या कहें कि माता को क्या भोग लगा सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज हमें काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से मिले। उन्होंने हमें माता के नाम से लेकर मंत्र तक सब कुछ बताया, तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता के पूजा का विधान है। माता का स्वरूप जो है दिव्य कहा गया है। सिंहासन पर विराजमान, शेर के आसन पर विराजमान है माँ। माँ दुर्गा के 5वें रूप को स्कंद माता क्यों कहा जाता है, ये आप नहीं जानते होंगे। दरअसल इसकी कहानी माँ दुर्गा और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। पुराणों में शिव और शक्ति के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद कहा गया है। भगवान स्कंद की माता होने की वजह से माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है और नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता का स्वरूप कैसा दिखता है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनकी 2 भुजा में कमल पुष्प और 1 भुजा में वर मुद्रा है और 1 भुजा से माँ अपने पुत्र कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। इनकी सवारी शेर है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप बेहद अद्भुत है। जैसा कि आपने जाना कि माँ दुर्गा का ये रूप कार्तिकेय की माता कहलाने के कारण बना, इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि जिन विवाहित महिलाओं की संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग इनकी पूजा करते हैं उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं और स्कंद माता हमेशा उनकी रक्षा करती है। माँ के विषय में कहा जाता है ये संतान की रक्षा के लिए माँ स्कंद का जो है पूजन किया जाता है। जिस किसी को संतान के संबंधी कोई बाधा उत्पन्न हो या संतान में कोई समस्या उत्पन्न हो, संतान के लिए कोई सी भी प्रकार की स्थिति हो या भूत प्रेत बाधा हो, तो उसमें माँ स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के दौरान अगर आप इन्हें कमल का पुष्प नहीं चढ़ाते तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। स्कंद माता को खीर का भोग लगाने का भी विधान है। इससे देवी माँ जल्द ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनचाही मनोकामनाओं को पूरा करती है। विधिवत जो है आप माला फूल चढ़ाना चाहिए देवी को, देवी को कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, इनको खीर का भोग लगाना चाहिए, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और लगा करके विधिवत पूजा अर्चन करने से माँ जो है भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती है। जय विष्णु। वीडियो खत्म होने से पहले ये जान लेते हैं कि देवी की पूजन के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा के दौरान आप या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जप जरूर करें। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। लोकल 18 ने माँ के पहले 4 स्वरूपों के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा जिसमें हमने स्कंद माता के बारे में जानकारी दी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहे लोकल 18।